आज मेरे पास है Realme का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme Narzo था की जो 4G डिवाइस, और इसको मैंने लगभग 10 डे तक यूज करूँ मेरे प्राइमरी फोन के हिसाब से। और अब बारी आ चुका है इसका फुल रिव्यू देने का, क्योंकि इस 10 डे में मुझे पता चल चुका है इसके अंदर क्या क्या अच्छाई देखने को मिलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स के साथ इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी स्मार्टफोन होना उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहता है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां है, वो सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखते रहना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को मस्ट भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बिना कैम ले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, कितना अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मिला, गेमिंग परफॉर्मेंस सारे के सारे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है मिग्या के Helio G95, आप सभी लोग जानते होंगे जो मिग्या के Helio G95 चिपसेट है कितना पावरफुल चिपसेट है। मैंने इसके अंदर जो बैटल रॉयल गेम को खेल चुका हूँ, और कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुका हूँ, और भी बहुत सारे गेम खेल चुका हूँ, फ्री फायर भी खेल चुका हूँ, जो परफॉर्मेंस मुझे मिला काफ़ी बढ़िया सा, कोई भी लैग वगैरह मुझे इसके अंदर नहीं दिखाई दिया। मैंने जो 10 दिन यूज़ करा हूँ इसको, कोई भी मुझे प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं दिखाई दिया गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पे 4GB रैम देखने को मिल जाएगा, 64GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ऐप्स ओपनिंग बहुत फास्ट है, मैंने जो सारे ऐप्स को ओपन किया था बहुत फास्ट यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग मुझे दिखाई दिया था। और यहाँ पे रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जो सारे ऐप्स को मैंने रैम में जाकर स्टेप बाय स्टेप ओपन किया, सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा रैम मैनेजमेंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ स्मार्टफोन आता है, और रियलमी UI 2 का अपडेट भी आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी ये जो स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी Narzo था की गेमिंग परफॉर्मेंस जो होने वाला है, किलर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए इसका बैटरी के बारे में, यहाँ पे 5000 mAh की काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा, और 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। 0 से 100% चार्ज करने के लिए टाइम लग जाएगा, 1 hour 10 minutes के अंदर आप 0 से 100% चार्ज कर पाओगे। और बैटरी गेम के बारे में बात करें तो मैंने बैटल रॉयल गेम को खेल चुका हूँ, जो कि 6 hours तक इसके अंदर खेल चुका हूँ, और बैटरी गेन हो चुका है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा बेकअप देता तो और भी बहुत ही बेकार होता। मैं नहीं कहूँगी बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है उससे और भी अच्छा देता तो और भी बहुत ही बेटर होता। और अगर आपने इसको डेली यूज करते हो तो आप 1 day तक इसको यूज भी कर सकते हो। जो बैटरी बैकअप होने वाले दोस्तों एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद जाते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में, 6.5 inch का फुल HD+ रेजुलेशन का यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो होने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 5-volt सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज काफ़ी छोटा देखने को मिल जाएगा, और इसका बैजेस नीचे जो चेंज होने वाला है बहुत छोटा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, आप बाजार से और भी बहुत सारे ग्लास मिलते हैं टेम्पर ग्लास, आप इसको जरूर चिपका देना, क्योंकि दोस्तों आपका फोन हाथों से गिर जाए तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का क्वालिटी भी होने वाला है ठीक ठाक, जो IPS डिस्प्ले का क्वालिटी होता है उसी तरह बेटर क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने AMOLED डिस्प्ले से कंपैरिजन करोगे तो वो नहीं चलेगा दोस्तों, जो IPS डिस्प्ले का क्वालिटी होता है उसी तरह क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो नेचुरल कलर भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा है। मैंने बहुत सारे वीडियो को ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ पे जो कलर वगैरह ठीक ठाक लगा मुझे, और यहाँ पे IPS डिस्प्ले की वजह से यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 90Hz हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टच सैंपल होने वाला है काफ़ी फास्ट, यहाँ पे मैंने स्वाइप कर रहा हूँ देख सकते हो बहुत फास्ट यहाँ पे इसका टच सैंपल भी हो रहा है दोस्तों। जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक लगा, और स्मार्टफोन के अंदर जो नीट ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, 580 नीट ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस भी ठीक ठाक लगा, मैंने जब स्मार्टफोन को आउटडोर में यूज़ किया था मुझे कोई भी तकलीफ इसके अंदर नहीं दिखाई दिया था, तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक लगा। तो इसके बाद जाते हैं दोस्तों इसका डिजाइन के बारे में, बैक साइड की तरफ ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिल जाएगा, पॉलीकार्बोनेट का बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप, LED फ्लैश और Narzo का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कैमरा का बाम इतना ज़्यादा भी बाहर नहीं है देख सकते हो, नॉर्मल सा कैमरा का बाम भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा।
ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको जी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी इसके अंदर कैसेस वगैरह आ जाएगा। इसलिए मैं कहूंगी आप जरूर यहाँ पे टिफ्यू केस यूकि बैक केस लगा के यूज करना, नहीं तो कैसेस वगैरह बहुत जल्दी आ जाएगा, जो कि न्यू फोन में अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए बैक केस लगा के जरूर यूज करना। और स्मार्टफोन को मैंने हाथों में जब यूज किया था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया था। ओवरऑल मेरे हाथों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिट भी हो गया था, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया। तो इसके बाद चलते हैं सीधा कैमरे की तरफ। कैमरा में देखने को मिल जाएगा बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, जहाँ पे मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के अंदर देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्राइस के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए था, ऐसे भी आपको क्या लगता है इस बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया दोस्तों, रियलमी का जो पहला स्मार्टफोन था और अब जो स्मार्टफोन लॉन्च किया रियलमी नार्जो था, कि यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करे बहुत बेटर। मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे बैक कैमरा का पिक्चर क्वालिटी देखा देता हूँ, देख सकते हो सिंपल प्रोटेक्ट, यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया सा देखने को मिल रहा है, नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है, जो स्काई का भी क्वालिटी देख सकते हो काफी बढ़िया सा प्रोवाइड कर रहा है, जो पहला स्मार्टफोन के अंदर इतना बेटर नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन यहाँ पे अभी जो यहाँ पे बहुत अच्छा है इम्प्रूव किया रियलमी नार्जो 30 के अंदर, जो बैक कैमरा काफी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मैं कुछ पिक्चर क्वालिटी देखा देता हूँ, देख सकते हो सिंपल प्रोटेक्ट, सारे के सारे पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, जो बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी भी होने वाला है काफी बढ़िया सा सेल्फी कैमरा भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप चलते हैं सीधा फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक के बारे में। जो साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे सिंपल टैप करो ओपन हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत फास्ट यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत फास्ट यहाँ पे फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा, जो लॉक स्क्रीन कहीं कहीं टाइम नहीं आ रहा है, ओपन हो रहा है, बहुत फास्ट यहाँ पे इसका फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है। स्मार्टफोन इंडिया में मिलता है 4GB 64GB 12,500 रुपीस के अंदर। तो इसी प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है, तो मैं कहूँगी अगर आपने परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर लेना चाहते हो और उसके साथ साथ कैमरा बेटर लेना चाहते हो, स्मार्टफोन आपके लिए किलर स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर आपने इसके अंदर बैक साइड की तरफ ग्लास बॉडी लेना चाहते हो और डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले लेना चाहते हो, स्मार्टफोन आपके लिए बेटर नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगी 12,500 रुपीस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 30। गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिल जाएगा, कैमरा भी बेटर देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और बैटरी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी आपको क्या लगता है इस बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना, और उसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और स्मार्टफोन के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग कंपैरिजन कर चुका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल में जाकर जरूर वीडियो को देख लेना, क्योंकि दोस्तों आपका पता चलेगा स्मार्टफोन और भी स्मार्टफोन के साथ कितना डिफरेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले न्यू फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।